नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में 2005 में बनाया था एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन से। और ये किसके अंदर बनाया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में पास हुआ था उसके प्रोविजंस के अंदर बनाया, तो इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको बताया कि एक्ट के अंदर बताया, सो इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बहुत हाई पावर्स हैं इसके पास। क्या होता है कि इसको कुछ कंप्लेंट्स की जाती हैं और वो उस कंप्लेंट में इंक्वायरी करता है और उस पर कुछ अपने डिसीजंस देता है। और खासकर ये जो आपका सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, ये कंप्लेंट्स और अपील्स किससे रिलेटेड लेता है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पब्लिक सेंटर अंडरटेकिंग्स होती हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और यूनियन टेरेटरीज के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काम कर रही है, या कोई भी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी है तो उसका काम कर रहे हैं, तो उसकी अपील्स ये लेता है। स्टेट में काम करने वालों के लिए स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद अगर कमीशन की बात की जाए तो उसमें कितने मेंबर्स हैं, तो देखिए अभी एक प्रोविज़न बनाया गया है जिसके अंदर ये बोला गया है कि देखिए, जब इनिशियली बना था ना कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो इसमें टोटल 5 लोग थे। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन था और उसके अलावा 4 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और थे, तो टोटल 5 लोग थे। बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है और अब प्रोविजन यह कर दिया गया है कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और उसके अलावा 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि इस समय पर टोटल 8 लोग हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ। ठीक है, लेकिन यह प्रोविजन बनाया गया कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और उसके अलावा उससे ज़्यादा 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेंगन कर दिया गया। इनिशियली केवल 4 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे और एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर बात की जाए कि ये जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं और ये जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो आसान सी बात है, आप तुक्का मार के बता सकते हो कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करेगा ये ज़रूरी है। तो उस कमेटी का मेंबर कौन कौन होगा, यही सबसे बड़ा कैच है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पर भी, हर जगह पर, कि भाई जो भी अपॉइंटमेंट होगा सीबीआई में भी लोकपाल में भी, कि अगर आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के चेयरपर्सन या मेंबर को अपॉइंट कर रहे हो तो जिस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर अपॉइंट कर रहे हो उसमें कौन कौन होगा, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होगा एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा होगा, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एक जिसको प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ज़रूरी है आपका, 3 लोग हैं इस कमेटी में। ठीक है, कौन कौन है, एक तो इसके प्राइम मिनिस्टर ही आपके चेयरमैन हो गए, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा हो गए, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, लीडर ऑफ द अपोजिशन की जब बात हो रही है लोकसभा में, तो अपोजिशन मिनिमम 10% सीटें होनी चाहिए, और किसी केस में उसके पास 10% सीटें नहीं है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन उस पर्सन को माना जाएगा जो मेजॉरिटी पार्टी के अलावा जो दूसरे नंबर की हाइएस्ट स्ट्रेंथ वाली पार्टी होगी ना अपोजिशन में लोकसभा के अंदर, उसके लीडर को लीडर ऑफ द अपोजिशन मान लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ से डिसाइड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इनके टर्म की बात करें कि कितने कितने दिन ये लोग टर्म रखेंगे फ्रेंड्स, तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर 5 साल का टर्म रखते हैं, या फिर जब वो 65 साल के हो जाएं और रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ये वो लोग होंगे जिन्होंने पब्लिक लाइफ में बहुत कुछ कर रखा है, उनको बहुत नॉलेज है, लॉ में एक्सपीरियंस, या फिर टेक्नोलॉजी या सोशल सर्विस की फील्ड में उन्होंने कुछ कर रखा हो, जर्नलिज्म में कर रखा हो, मैनेजमेंट में कर रखा हो, मास मीडिया में कर रखा हो, एडमिनिस्ट्रेशन सोशल सर्विस में कुछ कर रखा हो, तो वो लोग इसके मेंबर या चेयरमैन अपॉइंट हो सकते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होने चाहिए। ठीक है, या फिर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो एफिलिएटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम नहीं कर रहे होने चाहिए, तो यानी पूरी तरीके से उनका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपना टेन्योर होने के बाद वो फिर से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, कि एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो उसका टोटल टेन्योर होगा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट को मिला के वो 5 साल का ही होगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जिसने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जिसने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो उसे 1 साल के लिए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो
तो ये समझ लीजिएगा कि टोटल 5 साल का इनका टर्म होगा, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर दोनों रह सकते हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि 5 साल के लिए वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन गए और फिर से वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के लिए अपॉइंट हो गए, ये नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। अब अगर इनके रिमूवल की बात की जाए कि भाई अगर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को उनके ऑफिस से हटाना है तो किस किस तरीके से हटा सकते हैं, तो भैया ये कंडीशंस दे रखी हैं। इस तरीके की कंडीशंस हमने पहले की वीडियोस में भी देख रखी हैं, यहाँ पे भी देखते हैं। या तो उनको एक इंस्टॉलमेंट बोल दिया जाए, बैंक्रप्ट बोल दिया जाए, या फिर उनको किसी एक ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया हो जो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक मॉरल टर्पिट्यूड को इन्वॉल्व करता हो, मोरालिटी को इन्वॉल्व करता है। चूंकि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड उसका काम है, तो मॉरली स्ट्रांग होना चाहिए बंदा। उसके बाद अगर अपने टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर किसी ऐसे पेड एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करता है जो उसकी ऑफिस की ड्यूटीज से अलग है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अपने काम में उतना न्यूट्रल नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी लॉयल्टी कहीं और पे भी है, क्योंकि वहां से वो सैलरी ले रहा है। तो उस बेसिस पे भी उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। फिर इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, यानी दिमाग से अगर इन्फर्म हो या बॉडी से इन्फर्म हो, तो इस बेसिस पे भी उसको उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो दिमाग से या बॉडी से इन्फर्म है। और उसके बाद फ्रेंड्स, अगर उसने ऐसा कोई भी इंटरेस्ट ले रखा हो या उसके कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जो उसके ऑफिशियल कैपेसिटी में उसके काम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उस केस में भी उसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज है जो हम लोग बहुत चीजों में पढ़ते आ रहे हैं, वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। पर उस केस में जो प्रेसिडेंट होगा वो मैटर को रिफर करेगा सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्वायरी के लिए, सुप्रीम कोर्ट फिर इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई हाँ गलती है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की या चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की, तो वो प्रेसिडेंट से बोलेगा आप इसको पोस्ट से हटा दो। अब बात यहाँ पे आई कि प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है क्या, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे प्रूव मिसबिहेवियर ये है कि अगर वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी गवर्नमेंट के किसी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है जहां से उसको कुछ प्रॉफिट हो सकता है फाइनेंशियली, ठीक है ना, और इससे उसकी ड्यूटीज इफेक्ट हो सकती हैं, तो उस बेसिस पे उसको प्रूव्ड मिसबिहेवियर माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझने वाली बात है। अगर उसके बाद आप सैलरीज और अलाउंसेस की बात करोगे, तो देखिए अगर आप तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी अलाउंस और सर्विस कंडीशन एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती हैं, और एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी अलाउंसेस और प्रिविलेजेस होते हैं वो एक इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होते हैं, और इनके अपॉइंटमेंट के बाद इनकी जो सैलरी कंडीशंस हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उनको इनके डिसएडवांटेज में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि देखिए इनका काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो हो सकता है कि इनके डिसीजन मेकिंग पावर को अफेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इनको प्रेशराइज करे, तो इनके अपॉइंटमेंट के बाद इनकी सर्विस कंडीशंस को बदला नहीं जा सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि पावर्स और फंक्शंस क्या हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के। तो सबसे पहला काम ये है फ्रेंड्स कि ये कमीशन की ड्यूटी बनती है कि जो भी इसके पास कंप्लेंट आ रही है उसमें अच्छे से इंक्वायरी करे। वो कंप्लेंट किसी भी पर्सन के थ्रू आ सकती हैं, ठीक है ना, वो कंप्लेंट इस बारे में भी हो सकती है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया गया है जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं दी जा पा रही है, ठीक है ना। उसके बाद ये बोला गया है कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी लोगों ने किसी पब्लिक अथॉरिटी से, पर उनको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया, या फिर इन्फॉर्मेशन मांगी और उसको टाइम लिमिट में नहीं दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप आरटीआई फाइल करते हैं तो टाइम लिमिट होती है 1 महीने के अंदर आपको जवाब देना है, तो अगर मान लीजिए टाइम लिमिट में जवाब नहीं दिया गया तो उसकी कंप्लेंट भी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को जा सकती है फ्रेंड्स। अगर इन्फॉर्मेशन देने के जो चार्जेस हैं, जो फीस चार्ज की गई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यू से तो देगा नहीं इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो खुद ही पैसे देगा, तो अगर फोटोकॉपी के पैसे लगते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो फोटोकॉपी के पैसे देगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन मांगने वालों को लगता है कि भाई हमसे फीस ज़्यादा मांगी जा रही, तो उस केस में भी वो कंप्लेंट कर सकता है, या फिर अगर इन्फॉर्मेशन मांगने वालों को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है, इनकम्प्लीट है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, तो उस केस में भी वो अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स खास बात यह है कि कमीशन के पास ये जरूरी नहीं है, यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन के पास कमीशन के पास ये जरूरी नहीं कि उसके पास कहीं से कंप्लेंट आए, वो स्यू मोटिव बेसिस पे भी किसी भी चीज में इंक्वायरी कर सकता है। स्यू मोटिव बेसिस यानी अपने आप
वो किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होकर इंक्वायरी कर सकता है अगर उसको लगता है कि सच में कुछ गड़बड़ी हुई है। उसके बाद जब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इंक्वायरी कर रहा होता है तो उसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, और जब उसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर है ना फ्रेंड्स, देखिए सिविल कोर्ट की पावर्स का मतलब है उसकी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल कैरेक्टर की हैं, तो फिर वो किसी भी पर्सन को अपने पास समन कर सकता है, उसको अपने सामने बैठा के उसका ओरल एविडेंस ले सकता है या रिटन एविडेंस ले सकता है ओथ के साथ साथ, यानी उसको एक शपथ दिलाई जाएगी कि मैं जो भी सच कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और उससे ये भी बोला जा सकता है कि भाई अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे प्रोड्यूस करिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि एक प्रूफ हो सकती है उसको आप यहाँ प्रोड्यूस करिए। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। किसी भी पर्सन से एविडेंस लिया जा सकता है एफिडेविट पे, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन के लिए बुलाया जा सकता है, मतलब मंगवाया जा सकता है किसी भी पब्लिक ऑफिस से, ठीक है, किसी भी कोर्ट से भी एक पब्लिक रिकॉर्ड को रेफरेंस के लिए मंगवाया जा सकता है इंक्वायरी के दौरान सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन द्वारा। फिर वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए, विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए समन्स इशू किए जा सकते हैं, उनको बुलाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी वाइड पावर्स है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास, एक तरीके से कह सकते हो कि काफ़ी सारी जुडिशियल पावर्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये भी कहा जाता है कि जब किसी कंप्लेन की इंक्वायरी कर रहा होगा ना सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो उसके पास ये पावर है कि वो चीज़ों को अपने पास बुला सकता है, किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को अपने पास बुला सकता है। और ऐसी कोई चीज़ जो किसी पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में, जान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट है, तो उसको सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाने से किसी भी ग्राउंड पर रोका नहीं जा सकता। अगर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने अपने रेफरेंस के लिए उस डॉक्यूमेंट को मंगवाया है तो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड ना हो। अब कोई रॉ की फाइल है, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो की फाइल है जो नेशनल सिक्योरिटी से डील करी, कोई इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजिक फाइल है, तो उसको थोड़ी ना उठा के सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को दे दिया जाएगा, वो तो हाईली क्लासिफाइड है ना। इस तरीके की चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में रिलीज की जा सकती हैं, अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास है तो वो अगर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने मंगवाई हैं तो उसको देनी पड़ेंगी इंक्वायरी के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स कमीशन के पास ये पावर है कि अपने डिसीजंस को वो मनवा सकती है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, पब्लिक अथॉरिटी से बोल सकती है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और इस फॉर्मेट में देनी है, तो पब्लिक अथॉरिटी देगा। फिर पब्लिक अथॉरिटी को सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बोल सकता है कि आप एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जहां पे नहीं है, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करेंगे या किसी भी कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करेंगे। फिर रिकॉर्ड्स का किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से मेंटेनेंस होगा, रिकॉर्ड्स को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस में क्या चेंजेस होने चाहिए, किस तरीके की प्रैक्टिस करें कि चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती हैं, ये सब चीज़ें भी कमीशन देखेगा, ठीक है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन को ठीक से अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल्स को सही से ट्रेन किया जाए, इस चीज़ के लिए भी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन पब्लिक अथॉरिटी से बोल सकता है, पब्लिक अथॉरिटी से एक एनुअल रिपोर्ट मांग सकता है कि भाई आरटीआई एक्ट की प्रोविजंस को कितना सही तरीके से वो पब्लिक अथॉरिटी मान रही है नहीं मान रही है। और मान लीजिए किसी एप्लीकेंट ने आरटीआई के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट मांगी और उसकी और वो रिक्वेस्ट टाइम पे नहीं दी पब्लिक अथॉरिटी ने या लेट दी, जिसकी वजह से उस एप्लीकेंट को कुछ नुकसान हुआ है, तो उसको कंपनसेट करेगी वो पब्लिक अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर, ठीक है। पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। पेनाल्टी किस तरीके से लगाई जा सकती है फ्रेंड्स, कि मान लीजिए कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, ठीक है ना, और उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन तक की पेनाल्टी मारी जा सकती है और मैक्सिमम 25,000 की पेनाल्टी मारी जा सकती है, और उस ऑफिशियल के अगेंस्ट पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई हैं फ्रेंड्स इसको। उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये भी बोला गया है कि ये जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखेगा और वहां पे उस पर बहस होगी, ठीक है। अगर बात की जाए कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन किसके अंदर में आता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर में आता है। इसके साथ एक बॉडी और है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर में आती है, वो कौन सी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर में आता है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी आता है। तो कौन कौन सी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर में आ रही है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी आ रही है, फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी आ रही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी आ रही है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर में आ रहे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, फिर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइए,
लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।